50 बॉल में 105 रन, 7 छक्का और 11 चौका। अरे वाह वाह, बस जोर ताली सुनील भाई के लिए। अच्छा आप आइए, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बताइए। सुधीर सिंह जी, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 50 बॉल में सुधीर सिंह ने 105 रन बनाए जिसमें 7 सिक्सर और 11 चौके शामिल थे। जबरदस्त बल्लेबाजी की, आईपीएल की ये पहली शतकीय पारी थी। जी हाँ, डीआईपीएल के इतिहास की ये पहली शतकीय पारी सुधीर सिंह के बल्ले से देखने को मिली, 50 बॉल में 105 रन। एक्सेंट मैडी। अच्छा निरोध भैया, इन्होंने कहा कि टैलेंट था लेकिन मौका नहीं मिलता था, आज इन्होंने इतना टैलेंट दिखा दिया, दूसरों को मौका नहीं दिया। पूरा जितना टैलेंट है जेब में भरे थे, जितना टैलेंट है सब निकाल दिए हैं। आइए आशीष पांडे भैया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ये कमेंट्री। अच्छा भैया, इनकी खास बात यह है कि जो इतिहास की ओर जाते हैं, जैसे जैसे कि सन जेसन वर्थवर्थ जब कमेंट्री करते हुए गिर पड़े थे तो उन्हें हाइडॉक्स नहीं लगाया गया था, बाएं पैर के तीसरी उंगली पे जो मोच लगा था तो चौथे उंगली का नाखून कटा था, क्योंकि वो उसकी कोई गलती नहीं थी चौथे नाखून की। सर इन्होंने 50 105 रन मारे हैं। बता दूंगा कि राजकोट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध अजहरुद्दीन ने वनडे का सबसे पहला शतक कम गेंदों में मारा था, वनडे का सबसे पहला 62 गेंदों में 108 रन मारा। भाई बस उन्होंने उनको भी पछाड़ दिया, तो जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहली बार आपकी क्रिकेट की जानकारी सही जगह पे इस्तेमाल हुई है, हमको सुन के भी अच्छा लग रहा है। आशीष पांडे जी, इतनी आप जानकारी कैसे रखते हैं? अच्छा मुझे भी इनके बारे में काफी जानकारी है कि जो पिछले दिन आप बाइक पे 3 गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे थे तो फिसल के गिर पड़े, तो उसमें से 2 बची, 1 कहाँ गई? कुछ जानकारियां हमें भी रखनी पड़ती भैया, मतलब तो भाई पड़ जाएंगे जानकारियों के मामले में। अच्छा ये जानकारी इनकी किस प्रकार से रहती है, एक थोड़ा सा बताइए। जैसे कि सेंट जॉन जब बैटिंग कर रहे थे और अचानक से गेंद, नहीं नहीं वो रीजन ये है कि जो आपने तीसरी गर्लफ्रेंड बात की है तो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम लोग क्या, हम लोग तुम्हें बॉलिंग करना था ना बैटिंग, तो वो जो आपने तीसरी गर्लफ्रेंड की बात की वो क्रिकेट की बहुत दीवानी है और वो कभी भी कुछ भी पूछ लेती है। अच्छा तो भैया जो है पूरी जानकारी जुटा के रखते हैं कि पता नहीं कब क्या पूछ ले। एक दिन इनका नाम पूछ लिए तो सुरेश बोल दिए जल्दी हड़बड़ाहट में, हालांकि इनका आशीष नाम है, वो भी खुश हो गई। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड सुरेश ही है। अच्छा ये हमेशा राय लेते रहते हैं, एक दिन हमसे पूछे कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कौन सी ऐसी चीज दूं कि वो खुश हो जाए, मैंने कहा निरहुआ भैया का मोबाइल नंबर दे दो। भैया ये देखिए थोड़ी तैयारी से मुझे लगता है हम लोग थोड़ा ना सीरियस नहीं होते, थोड़ा अपना ये लोग को मौका देते हैं, थोड़ा लोग विराम लेते हैं, थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था की जाए यहाँ पर जल्दी से जल्दी। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह से दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ और सुनील सावरा।